वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग बात करेंगे हेरिडिटरी हाइपर बिली की तो जो बिलियरुबिन का लेवल बढ़ रहा है आइदर दैट विल बी कॉन्जुकेटेड बिल्डुबिन और अनकॉन्जुकेटेड बिल्डुबिन तो इसको हमने दो पार्ट में बाइफोकेट किया एक तो अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिली और दूसरा कॉन्जुकेटेड हाइपर बिलीरोमिया अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिली में हमें तीन सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है क्रिगुलर नजर टाइप वन टाइप टू और गिलबर्ट सिंड्रोम कॉन्जुगेटेड हाइपरबिली रुबिनिया में हम लोग दो सिंड्रोम देखते हैं डीजे सिंड्रोम दैट इज डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम ठीक है इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें से सिर्फ क्रिगुलर नाजर सिंड्रोम टाइप टू को छोड़कर दैट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस सारा का सारा कैसा मोड है ओटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस ठीक है क्रिगुलर नाजर सिंड्रोम टाइप टू इज ओटोजोमल डोमिनट वाइल ऑल अदर आर ओटोजोमल रेसेसिव बात करते हैं डिफेक्ट इन बिलियरुबिन मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कौन सा बिल्युबिन बढ़ रहा है अनकॉन्जुकेटेड मतलब कॉन्जुकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है कॉन्जुकेशन कौन सा एंजाइम कराता है यू डी पी जी टी या फिर आप उसे यू जी टी वन ए वन भी बोल सकते हो दैट इज यूरोडीन डाइफॉस्फेट ग्लूको यूरोनाइट ठीक है तो अगर वो एंजाइम कंप्लीटली एबसेंट हो गया दैट विल बी क्रिगुलर नेजर सिंड्रोम टाइप वन और अगर वो कंप्लीटली एबसेंट हो जाएगा तो क्या होगा दैट विल बी फैटल इन द न्योनेटल पीरियड ठीक है और इसमें कनेक्टरस हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज डिपोजिशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिली रूबिन इन टू द ब्रेन लीवर पैथोलॉजी पे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है ना लीवर आपको ठीक दिखेगा नॉर्मल दिखेगा ठीक है अगर यू जी टी वन ए वन या फिर यू डी पी जी टी का जो फंक्शनल कैपेसिटी उसमें कोई डिक्रीमेंट आता है ठीक है तो अपन उसे क्रिगलर नजर सिंड्रोम टाइप टू बोलेंगे ठीक है और गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होगा डिक्रीमेंट आएगा एंड दिस जॉन्डिस विल बी एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस लाइक इलनेस फास्टिंग एंड एक्सरसाइज लीवर पैथोलॉजी अनकॉन्जुकेटेड हाइपरबिली रुबिनियम है नॉर्मल रहेगी उसमें लीवर में कुछ भी मतलब एबनॉर्मल हमें नहीं दिखेगा ठीक है और जनरली जो क्रिगुलर नेजर सिंड्रोम टाइप टू होता है वो ना आपको माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा बट दैट इज नॉट फेटल ठीक है बाकी सारा जितना भी सिंड्रोम है गिलबर्ट सिंड्रोम सिंड्रोम जॉनसन रोटर सिंड्रोम्स दैट दैट विल कॉज नो इज इनोकस ठीक है ना वो कोई भी इंजुरी प्रोड्यूस नहीं करता है ठीक है तो लीवर पैथोलॉजी अगर आप गौर से ये पूरा चार्ट देखो तो लीवर पैथोलॉजी में कहां पे कहा नॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डीजे सिंड्रोम में दैट इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में रोटर सिंड्रोम इज सिमिलर टू द ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम लेकिन इसका एग्जैक्ट एटियोलॉजी क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता चला बाकी सारा सेम आप देख रहे हो ठीक है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन एम आर पी टू प्रोटीन एमआरपी टू मैंने बताया था, that is maximum retail price. में इसका नाम, क्या? इसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन टू अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमारे हिपेटोसाइड्स में बन रहा है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा कहाँ पे बाइल डक्ट में क्योंकि जो बाइल डक्ट में ट्रांसपोर्टेशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन टू ठीक है ना यहाँ पे अगर अगर लीवर का पैथोलॉजी देखेंगे तो आपको बस इसी में लीवर का पैथोलॉजी एबनॉर्मल दिखेगा दैट विज बी पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल्स लेकिन ये भी हार्मफुल नहीं है ठीक है ना बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा ठीक है रोटर सिंड्रोम भी no harm, विट नो हार्म तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा चार्ट एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में बना सकते हो और आराम से है ना अच्छा खासा नंबर ला सकते हो फिर से मैं ऐसे एक बार समराइज करता हूँ क्रिकुलर नाइजर सिंड्रोम टू क्रिकुलर नाइजर सिंड्रोम टू का क्या इंपॉर्टेंस इट इज एटोजोमल डोमेंट बाकी सारा कैसा ओटोजोमल रेसिसन जॉनसन सिड्रोम का क्या इंपॉर्टेंस इसका इंपॉर्टेंस यह है कि यहां पर जो हमें लीवर का पैथोलॉजी एबनॉर्मल और बाकी सारे केस में लिवर्स का पैथोलॉजी कैसे मिलेगा नॉर्मल मिलेगा डुबिसन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम सारा कुछ सिमिलर होगा बट रोटर सिंड्रोम का एक्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है किसी को नहीं पता है ठीक है और बात करते हैं क्रिगुलर नाजर सिंड्रोम टाइप वन इसका इंपॉर्टेंस का यहाँ पे कंप्लीट एबसेंस ऑफ इंजाइम ठीक है दिस इज ऑल अबाउट योर कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिमिया